हम इंस्टेंट कॉफ़ी घर में कैसे बनाएं वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए यही है कि एक तो कॉफ़ी चाहिए। मैंने नेस्कैफे कॉफ़ी ली है, इंस्टेंट ले रही हूँ। उसके लिए चाहिए चीनी, शुगर और ये दूध है मेरे पास। तीन चीज़ें। अब ये हम कैसे बनाएंगे मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। हम एक कप कॉफ़ी बनाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध। ये देखिए मैं 1 कप ले रही हूँ, यानी कि 250 मिली लीटर दूध लेंगे हम। और इसको उबलने के लिए रख देंगे। ये मेरी गैस ऑन है। अब हम सबसे पहले एक सूखा कप लेंगे, और ये ऐसे कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, स्टील या किसी का। 2 चम्मच, 1 कप में 2 चम्मच मैं चीनी डालूंगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक 3 भी डाल सकते हैं। ये टी स्पून है तो टी स्पून है, ये भी टी स्पून है, तो 2 ही चम्मच मैं छोटे टी स्पून है कॉफ़ी के डालूंगी। एक और दो। और मैं ये बताती हूँ मैं कैसे बनाऊंगी। मैं इसको बीट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ देखिए, एक तो मैं यहाँ आप इससे भी बना सकते हैं चरण से, और ये होता है जिससे हम लस्सी बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं, और एक ये कांटे से भी बना सकते हैं फॉक से, और एक आप ये हैंड बीटर से भी इसको फेंट के बना सकते हैं। अब मैं बताती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। मेरा दूध उबल जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा दूध उबल चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब ये देखिए 2 चम्मच मैंने कॉफ़ी ली थी टीस्पून, और 2 ही टीस्पून मैंने वो चीनी ली थी, और आधा चम्मच छोटा पानी डाल के इसको मैंने ऐसे बीट कर लिया है। ज़्यादा नहीं करना हमने, बस जस्ट चीनी घुल जाए। आप ये विस्क है इससे भी बना सकते हैं, ये मथनी होती है जिससे लस्सी बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं, और ये कांटा है, ये फॉक इससे भी बना सकते हैं, हैंड ग्राइंडर से भी बना सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि क्या करना है। हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। आधा ही डालेंगे, फुल नहीं भरेंगे, बाद में हम और डाल देंगे। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास विस्क है, इसको मैं ऐसे फेंकूँगी, आप देखेंगे एकदम झाग बनेगी। आधा कप डाला था, आप देख सकते हैं कितना हो गया। ये देखिए अब से ही झाग बननी शुरू हो गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी झाग बन गई है। फिर मैंने 2 मिनट तक इसको विस्क किया है। ये देखिए अभी आप और भी कर सकते हैं। अगर ये आपको लगे कि ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही है, तो इसको 30 सेकेंड माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हैं। और वैसे तो ठंडी हो रही, उबलता हुआ दूध डाला है हमने। जो बिगिनर हैं या स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी ईजिली इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे कप में इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि इसमें कितनी झाग है। आपको कि फेंकने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं इस कप में इसको डालती हूँ। कॉफ़ी बनकर तैयार है। इसके ऊपर आप कोको पाउडर या कॉफ़ी डाल सकते हैं, बस बड़ी इजी है बनाने में। विस्क के साथ आप विस्क कर लीजिए। अगर आप मग में नहीं होती तो खुले बर्तन में भी आप कर सकते हैं, और आप इसको किसी भी टाइम, आप इसको सुबह शाम किसी भी टाइम बना के पी सकते हैं। स्टूडेंट भी इसको बना सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।